स्टार्ट करता हूं आज के टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है फिजिकल वर्ड। ठीक, तो किसी के स्कूल में करवाया होगा, किसी में स्किप कर दिया होगा, हार्डली मैटर्स। 30 मिनट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज सीखने को भी मिल रही है तो यू नेवर नो, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है। ये भी नहीं पता कि कल को कॉम्पिटिशन में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप चैलेंज नहीं कर सकते कि क्यों दिया हमें, हमारे टीचर ने छुड़वाया था, ये एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है, हमें कर लेना चाहिए इसे। ठीक, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से है, व्हाट इज फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स में ये बताया गया है कि क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये ऐसे साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट किसे बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सोचता है, एक डीप में जाता है एक चीज के, और उसका जो है मैथमेटिकल रिलेशन, उसका कॉज पता करने की कोशिश करता है कि ऐसा एक नेचर में प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसका मैथमेटिकली चीजों को रिलेट करने की कोशिश करता है, और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आज अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है तो कल भी मेरी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर बिल्कुल सही रहेगी। ठीक, सो अब इसमें जो है, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहीं से है, हिस्ट्री से, जब ऑब्वियसली बहुत 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 जब कोई साइंस कुछ नहीं था तो ह्यूमंस हैव बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, कि नेचर में दिन रात क्यों होती है, अगर मान लो बर्फ गिरती है तो बर्फ क्यों गिरती है, अगर जो प्लैनेट है वो कैसे घूमते हैं, या गर्मी क्यों लगती है, सर्दी क्यों लगती है, हम चलते कैसे हैं, हम कब गिरते हैं, किडिंग कब होती है, या किसी चीज का कलर ग्रीन क्यों है, कोई स्काई ब्लू क्यों है, और बहुत बहुत हर चीज नेचर से रिलेटेड है। ठीक, तो उसको उसको जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट स्काई विद अ बिग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे नाइट रात को तारे क्यों चमकते हैं, रेगुलर रेपिटेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात क्यों होता है, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन, गर्मी सर्दी क्यों हो रही है, एक्लिप्सिस क्यों होते हैं, टाइड्स क्यों होती हैं, और वोल्केनोस क्यों निकलते हैं, रेनबोस क्यों है, उसका रीजन क्या है, और ये सब चीजों को अट्रैक्ट जो है ह्यूमन जो है वो अट्रैक्टेड रहा है, और इसके रीजन ढूंढने की कोशिश की। अब साइंस कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके ढूंढने की कोशिश की। टू जो ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ब वर्ड है सेंटिया, जिसका मतलब है टू नो, तो यहाँ से ये साइंस वर्ड आ रहा है, जिज्ञासा, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रोसेस। संस्कृत के अंदर भौतिक शास्त्रम करके, और हिंदी में भौतिकी भी बोलते हैं फिजिक्स को, हम भौतिकी पढ़ रहे हैं, भौतिक शास्त्रम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू संस्कृत, और जिसका मतलब क्या है, हम जो स्टडी करते हैं, है ना, तो इसमें ठीक है। तो अभी जस्ट ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो आपने पढ़ी होगी किसी साइंटिस्ट की, तो भौतिक शास्त्रम है, विच मीन स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन अलोंग विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स। तो ये ऑब्वियसली पूरी फिजिक्स है, फिजिक्स में है क्या, फोर्स है, एनर्जी है, मोशन है, और ऑब्वियसली अगर आप आज प्रिडिक्ट कर पाते हो मैथमेटिकली, देखो न्यूटन ने क्या सोचा, सेब क्यों गिरा, सेब गिरने के चक्कर में उसने ये चीज निकाल दी कि ग्रेविटेशन का लॉ निकाल दिया उसने, और मैथमेटिकल निकाला। अब वो जो प्रोसेस है वो सेब के लिए, एप्पल के लिए भी एप्लीकेबल है, वो मेरे पेन के लिए भी एप्लीकेबल है, वो हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो बेसिकली यही काम है जो 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 साइंटिस्ट लोगों ने किया, और इसके अंदर फोर्स क्या लग रही है, एनर्जी क्या लग रही है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई। और अरेबिक मीनिंग जो है इल्म है, तो जिसका मतलब जो जो है अपने जो नॉलेज से रिलेटेड है, और ग्रीक वर्ड में नेचर भी बोला जाता है और नेचर से रिलेटेड है। और मैं फ्यूचर की बात कर रहा था, फ्यूचर में कि जैसे अब आजकल के जो आर्मी, जो पायलट्स हैं, जो इतने प्लेन्स हैं या रॉकेट हैं, उसके अंदर क्या है, यही तो फिजिक्स है। उन्होंने ये देख लिया, अगर पत्थर गिरता है तो इतने एंगल पे गिरा तो यहाँ जाके गिरता है, ये इसकी रेंज है, ये उसका एंगल है गिरने का, ये इसकी वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा किसी भी ऑब्स्टेकल को। तो यही चीज वो डिजाइन करते हैं जो रॉकेट कर रहे हैं, कि अगर हम बॉम्ब गिरेंगे या कोई मिसाइल छोड़ेंगे तो इतने एंगल पे गिरेगी, यहाँ जाके गिरेगी, इतनी जोर की हिट करेगा, इतने एरिया को वो हिट करेगा, इतने एरिया को खत्म कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जहाँ वो आप नेचर को स्टडी कर रहे हो ना, ग्रेविटी के लॉज के साथ सारा काम चल रहा है, तो आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर क्या है। ठीक, साइंटिस्ट इसका यही काम है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दी नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, एंड यूज द नॉलेज टू गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमेना, कंट्रोल द फिनोमेना। अगर एक बार नेचर का समझ में आ जाए, नेचर कैसे बिहेव करती है, तो आप अपने फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेचर अगर आज ऐसे बिहेव कर रही है तो आपको पता है कि ऐसे ही बिहेव करती है। तो साइंस क्या है, इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड अस। हम जो देखते हैं उससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और चीजों को सीखते हैं और नई चीजें निकालते हैं।
curiosity to learn about the world and unveiling the secrets of nature is the first step towards the discovery of the science. Nature ke andar kya kya cheeze chupi hui hain, yahi scientists logon ne nikalne ki koshish ki, wahi se science aaya. Do type ki science hai, biological science hai, physical sciences hai. Biological science mein hum padhte hain which deal with the behavior of living things. Samajh mein aa raha, I hope yahan par living thing ke साथ डील करते हैं. उसी तरीके से फिजिकल साइंसेज में टू मेन फिजिकल साइंसेज आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. जो आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री क्या चीज है, इज अ स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कॉम्पोजिशन. एंड फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन. एनर्जी एंड फोर्सेज के साथ रिलेशन किया जाता है. ठीक है यहां तक तो ये चीज जो है बताई गई. उसके बाद साइंटिफिक एटीट्यूड. तो अगर वॉइस ब्रेक हो रही है वैदेश तो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाए प्लीज. ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड. तो साइंटिफिक एटीट्यूड रिक्वायर्स अ फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड द सॉल्विंग प्रॉब्लम. तो साइंटिफिक एटीट्यूड किसे बोलते हैं? आज मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया. न्यूमेरिकल क्या चीज है? न्यूमेरिकल तो एप्लीकेशन है ना थ्योरी की. क्या हमने सीखा, अगर ये पत्थर गिरा तो कितनी उससे हिट करेगा, फोर्स से हिट करेगा. अगर दो बॉल्स टक्कर होंगी, दो बॉल्स की, तो वो कितनी वेलोसिटी से सेपरेट होंगी. एक सेकंड, मैं वॉइस के लिए एक मिनट रुको. ओके, अब आई होप बेटर हो जाएगी वॉइस. बेटर है? क्लियर है वॉइस? ओके, एक सेकेंड प्लीज. ओके, तो साइंटिफिक एटीट्यूड की बात हो रही थी कि जैसे हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके साइंटिस्ट ने चीजें निकाली. अगर दो बॉल्स की टक्कर होगी तो कैसे बिहेव होगा. एक सेकेंड, नेटवर्क बैंडविड्थ लो. एक सेकेंड, ओके. अब देखते हैं, कनेक्शन चेंज किया है. तो साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर रिक्वायर्स द फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. मैंने आपको कहा ठीक है कि ये कोलिजन्स के अंदर ये रिजल्ट लगते हैं, ऐसे रिजल्ट लगाना है, राइट? तो आप अगर साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं तो आप उसमें चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों हुआ. फिर आप कहेंगे मैं और न्यूमेरिकल पे ट्राई करके देखता हूँ. क्योंकि न्यूमेरिकल का बेसिकली का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल का मतलब है जो आपको सिचुएशन दी जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कैसे बॉल जो है वो रिएक्ट करेंगे, आप क्या काम करोगे उसमें, आप कैसे काम करोगे, क्या सोल्यूशन निकालोगे मैथमेटिकल. तो अगर आपको इसमें मजा आ रहा है, आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, आप चीजों को खोजने की कोशिश करते हो और ओपन माइंडेड अप्रोच है, परेशान भी नहीं हो रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा आंसर नहीं निकल रहा, आप लगे हुए हो और लगे ही हुए हो. ठीक, और फर्स्ट सोल्यूशन इज सजेस्टेड. आप सोचते हो कि एक सोल्यूशन सजेस्ट किया जाता है, दिस सोल्यूशन इज ट्राइड, ट्राई करते हैं. इफ इट वर्क, मतलब हमेशा वर्क करेगा जरूरी नहीं है, इफ इट वर्क तो इट इज अडॉप्टेड एंड अदरवाइज इट इज रिप्लेस बाय अ बेटर सोल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम. अब साइंटिफिक अप्रोच का क्या प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की क्या खास बात है? अगर एक फेल होता है मेथड तो दूसरा फेल होता है तो तीसरा तो चौथा. फ्रस्ट्रेशन नहीं होती ऐसे लोगों में. ऑब्वियसली क्या होता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं. अब साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट इन स्टडिंग द नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉज व्हिच गवर्न द फिनोमेना इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड में क्या है कि आप चीजों को स्टडी करते हैं, आप रूल बना देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा. अगर एप्पल को गिरा जाए, तोड़ा जाए, छोड़ा जाए और वो नीचे ही गिरेगा, अगर कोई और चीज होगी नीचे ही गिरेगी अर्थ की तरफ और ऊपर नहीं जाएगी, अर्थ से दूर नहीं जा सकती, अर्थ की तरफ ही जाएगी. तो लॉ बना दिया, अभी कोई भी चीज आज की बात अगर आपने छोड़ दी अर्थ के ऊपर तो नीचे ही गिरेगी, बात खत्म. तो इसको बेसिकली लॉ बना दिया. ये लॉ कभी लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी फेल नहीं होती और जो टेस्ट होके आई है थ्रू एक्सपेरिमेंट एज वेल एज बाय विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स.
तो अगर आप ऐसी अप्रोच फॉलो करते हो तो आप साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हो, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, स्टडिंग दीज ऑब्जर्वेशंस एंड मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आगे क्या होगा, हम रीजनिंग करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, सजेस्ट द मैथमेटिकल मॉडल टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व बिहेवियर, हम मैथमेटिकली क्या करेंगे उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो ऑब्जर्वेशन ली वो बिल्कुल सही ली, कभी तो फिजिक्स मैथ्स के बिना नहीं चलती, क्योंकि मैथ्स चाहिए होगा चीजों को प्रूव करने के लिए। भैया डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक, सो प्रिडिक्टिंग न्यू फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, तो जो मॉडल आपने बनाया उसमें नई चीजें निकल के आएंगी, वो आपको नई चीजें भी बतानी पड़ेंगी। मॉडिफाइंग द थ्योरी इफ नेसेसरी, वीडियो लैग कर रहा है, एक सेकेंड प्लीज, मैं फिर एक बार चेक कर देता हूँ। एक सेकेंड, ओके, कनेक्शन चेंज किया अभी मैंने, ओके, अभी कनेक्शन चेंज किया है, आई होप अब सही है। तो प्रिडिक्टिंग द न्यू फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, तो मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो नहीं आदित्य वीडियो आ रहा है आपको डिस्कनेक्ट होके, नो वीडियो, वेट 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 वेट, आप चेक करना प्लीज एक बार, अब बेटर है, ओके, अब बेटर है, डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाए जिनका भी बेटर नहीं है। ठीक, तो हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, मैंने जो जब हम पीएचडी करते हैं राइट, तो पीएचडी के अंदर क्या होता है, हम एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, और हम उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और उसको थ्रू एन एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि जो हमने काम किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट किया, तो उसको डिफेंस बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। और उसको ऐसा नहीं होता कि आज मतलब अगर मैंने बोल दिया कि नहीं जी ये ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा, है ना, लोग मानते नहीं है, ऐसे क्यों मानेगा कोई, तो हमें जो उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं वहां से पेपर पब्लिश करवाने होते हैं, उनसे प्रूव करवाना होता है कि ये जो मैंने किया वो चेक, हाँ बिल्कुल सही आते थे, थीसिस बोलते हैं उसे, और थीसिस का काम है ये, थीसिस की याद आई बात, तो ये मेरा एक थीसिस आप चेक कर सकते हो, तो इसके अंदर ये प्रूव किया मैंने, इसमें मैथमेटिकल मॉडल है और इसके अंदर ये पूरा थीसिस है, आप शायद पढ़ पा रहे होंगे इसे, देख पा रहे हैं, राइट, तो बेसिकली इस थीसिस के अंदर, हाँ तो इस थीसिस के अंदर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इसमें, राइट, तो इसके अंदर प्रोटोकॉल्स बनाए थे मैंने, हाँ तो प्रोटोकॉल्स बनाए थे मैंने इसमें, और प्रोटोकॉल्स कोई भी अगर साइंटिस्ट होगा प्रोटोकॉल बनाएगा, प्रोटोकॉल को डिफेंड करेगा कि इस तरीके से प्रोटोकॉल्स बने, ये ऐसे चला, फिर उसकी उसके जो एरिया के एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड में वो उसको चेक करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, बाकी कंट्री से चेक होके आते हैं, दो तीन कंट्री से दो तीन साइंटिस्ट होंगे, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया को, इंडिया के साइंटिस्ट से नहीं करवाती, उनका रूल है कि वो बाहर से होनी चाहिए किसी आउट ऑफ कंट्री, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे चीजों में, तो बायस ना हो बिल्कुल भी, तो वहां से अप्रूव होके फिर पैनल बैठते उसको डिफेंड करना पड़ता है कि ये चीज बिल्कुल सही है, और आप टेस्ट करके देख सकते हो इससे, और जाते हुए हमें बोला जाता है पीएचडी में कि बताओ आपकी पूरी रिसर्च में आप आने वाले टाइम में लोगों को क्या नई चीज बताओगे, ये तो आपने बता दी, सॉल्व भी कर दी, लेकिन ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि अनसॉल्वड प्रॉब्लम इसमें और क्या रह गई, है ना, तो अनसॉल्वड प्रॉब्लम भी होती है उसमें, हमें लगता है कि हमने तो इसी पे काम किया, लेकिन हमें लगता है कि इस पे भी काम हो सकता है, हम जूनियर्स को आने वाले जो रिसर्च करते हैं उनको बताते हैं कि ये हमने कर लिया, ये हमने छोड़ दिया, तो आप चाहो तो अपनी पीएचडी जहां पे कर सकते हो और जो हेल्प चाहिए हमारे इस थीसिस से ले सकते हो, तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, रिसर्च जो है वो आगे चलती है। ठीक है, तो मॉडिफाइंग द थ्योरी इफ नेसेसरी इन द लाइट ऑफ फ्रेश एविडेंसेस, तो एक प्रोटोकॉल तो मेरी ये भी थी कि जो लोगों ने काम किया उसको हमने मॉडिफाई किया और एक नई चीज भी बनाई हमने,
तो साइंटिफिक थ्योरी इट इज द नेम गिवन टू द लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ व्हिच द बिहेवियर ऑफ सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन. साइंटिफिक थ्योरी क्या है, लॉज बना दो अपनी पूरी जिंदगी का, एक चार लाइनों में चीजें बता दो कि भाई ये चीज मैंने बनाई है उसको लॉ बोल दो, जो कभी वॉलिड नहीं होगा, जो एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है और जो पूरे सिस्टम को क्या करेगा, एक्सप्लेन कर सकता है. तो उसको लॉ की फॉर्म दे दो. साइंटिफिक थ्योरी इसी को बोलते हैं, लॉज बना दिए, न्यूटन का लॉ, मैक्सवेल का लॉ, कूलम का लॉ और स्टीफन्स का लॉ, अभी आएंगे सब पढ़ेंगे हम लॉज. तो ये लॉज की फॉर्म में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि ये लॉ है वो क्योंकि कई लोग आप में से ये भी पूछते हैं ना सर ये लॉ कहाँ से आया, ये लॉ बताओ कहाँ से, भाई मैं कैसे बताऊंगा, उसकी पूरी जिंदगी की वो कहानी है जो उसने सॉल्व की है उसे चार लाइनों में बता दी और उसकी जिंदगी की कहानी मैंने सीख ली चार लाइनों में. अब मैं आगे आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसी को उसमें पीएचडी करनी है तो उसकी फिर थीसिस को पढ़ो और फिर एक्सप्लेन करो, लेकिन अभी प्लस वन प्लस टू में हमें इतना काम नहीं करना होता है. हम लॉज को सही मानते हैं, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा, तब भी लॉ अप्रूव होके आया है तो हम उसको सही मानते हैं और हम उसको जस्ट लर्न करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं चीजों पे. तो दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है फिजिक्स में, एक यूनिफिकेशन में, एक रिडक्शनिज्म में. यूनिफिकेशन क्या चीज है, यूनिफिकेशन है इन फिजिक्स attempt is made to explain various physical phenomena in terms of few concepts and laws. हम क्या करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी चार लाइनों में एक्सप्लेन कर देते हैं. न्यूटन ने पता नहीं कितना काम किया होगा, उसने चार लाइनों में बता दिया कि कोई भी चीज अगर आप अर्थ के ऊपर छोड़ोगे अर्थ उस चीज को मास को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी और ये मेरा लॉ है. और उसकी जो फोर्स है अट्रैक्ट करने की, gm1n2/r² फॉर्मुला लगा लेना दुनिया के किसी भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा लेना, ये फॉर्मुला फेल नहीं हो सकता. तो इस प्रोसेस को यूनिफिकेशन, जैसे कि देयर इज अ वन सिंगल लॉ टू एक्सप्लेन एवरी मोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी. एक लॉ बताता है न्यूटन का कि भैया ये ग्रेविटी का लॉ है और इससे चीजें अट्रैक्ट होती हैं. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोइंग टुवर्ड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून टू अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन वगैरह. न्यूटन के लॉ से दुनिया की कोई अट्रैक्टिव जो फोर्स है, मतलब आप अट्रैक्शन क्यों हो रही है, कितनी फोर्स से अट्रैक्शन हो रही है, ये सीखा जा सकता है. इस प्रोसेस को यूनिफिकेशन बोलते हैं कि पूरी चीजों को बहुत सारे जो है चीजों को एक लाइन में एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन, और जो बहुत सारी चीजों को के ऊपर अप्लाई भी किया जा सकता है. अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना विद अ फ्यू कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी चीजों को अर्थ मून सन यूनिवर्स किस चीज को दो लाइनों में न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया. कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा, डाइवर्स है फिजिकल फिनोमेना, लेकिन दो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया फ्यू कॉन्सेप्ट से एंड लॉ से. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन. बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को दो लाइनों में एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन. अब है रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म में एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म. ये बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, मैं सिंपल से समझा रही है आपको. डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम होगी जरूर. तो जैसे सपोज करो किसी ने कहा यूनिवर्स जो है में जो चीजें किससे बनी हुई हैं, अब किससे बनी हुई हैं, तो इसको सीखने के लिए मुझे बहुत ही छोटे बारीक लेवल पे जाना पड़ेगा. और क्या सीखना पड़ेगा, मुझे ये सीखना पड़ेगा कि इसके अंदर व्हाट इज जो कोई भी सब्सटेंस है वो बना किससे हुआ है ना, वो बना किससे हुआ है. तो किससे बना हुआ है, वो तो एटम से बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है, बहुत सारे एटम से. अब देखो ना इतनी बड़ी, अब मुझे एक चीज सीखने के लिए, हर दुनिया की हर चीज सीखने के लिए कुछ ज्यादा ही माइक्रोस्कोप लेके अंदर जाना पड़ा. और क्या सीखना पड़ा कि एटम्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है. तो एक्सप्लेनिंग द फंडामेंटल स्टफ कुछ भी नहीं पूछा, तो ये था कि ये कोई भी सपोज ये चीज किससे बनी हुई है. यार अब तुम केमिस्ट्री लेके बैठ गए, उन्होंने माइक्रोस्कोप लो देखो सर एटम है, बॉन्ड है, एटम ये सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लेनिंग फंडामेंटल स्टफ, बड़ी छोटी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हैं, मोर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं हम, मोर कॉम्प्लेक्स स्टफ सॉरी. तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक बहुत छोटी चीज को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इवेल्युएट कर रहे हैं. ये इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म. यूनिफिकेशन का मतलब बड़ी चीज को दो लाइनों में एक्सप्लेन करना, रिडक्शनिज्म का मतलब छोटी चीज के और डीप में चले जाना और माइक्रोस्कोपिक लेवल में चीजों को देखना. आई होप समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तो डेफिनेशंस क्लियर हैं.
अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज मिलेगा। मैंने दो दो किताबों में से दो तीन किताबों को फॉलो किया और सबकी थ्योरी मतलब इसमें मैंने डाल दी हुई है इसमें, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस 20-25 मिनट में इसको डन कर देंगे और उसके बाद फिर आपका जो हाउ दानिश इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के अंदर बेसिकली क्या है, ब्रांचेज में मेन डोमेन ऑफ स्टडी इज मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। अब आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स और आप इधर उधर मुंह देखें कि यार पूरी नॉन मेडिकल कर ली और ये नहीं पता कि क्वांटम फिजिक्स क्या चीज है, तो सामने वाला क्या कहेगा, यार पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए यार, ये क्या कर रहे हैं, इनको तो फिजिक्स की डेफिनेशन भी नहीं पता। अब किसी को अगर ये बोर लगती है थ्योरी तो वो तो वही देखे, ठीक है। तो बेसिकली नहीं अभिजीत लर्न रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आ ही रहा है तो इट्स ओके, जो करने वाली चीजें मैं बता दूंगा क्या करना है। फिजिक्स हैज टू मेन डोमेन ऑफ स्टडी, या तो आप ऊपर के लेवल पे काम करते हो जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं जिसमें न्यूटन ने काम किया था मैक्रोस्कोपिक, और एक है माइक्रोस्कोपिक, बहुत डीप में काम करते हो एटम्स के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर काम करते हो, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, प्लस टू के एंड में पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम। क्लासिकल फिजिक्स में डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना विच मे बी एट लैब और टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, मतलब बड़े से बड़ा सूरज को स्टडी करना, सन को करना, अर्थ को करना, कार को करना, ट्रक को करना, क्लासिकल फिजिक्स है। तो इसके अंदर क्या है ब्रांचेस, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, हीट को स्टडी करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सब जो है कि जो बड़े लेवल पे काम हो रहा है क्लासिकल फिजिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जैसे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियाई क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना फिजिक्स बाद में जाके इजी हो जाएगी, मैंने बहुत बार बोला ना ये चीज, क्योंकि इसलिए इजी होगी क्योंकि क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी और क्वांटम फिजिक्स में एटम का स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री से करके आए हैं, न्यूक्लियाई आप करके आए हैं, तो केमिस्ट्री की फिजिक्स वालों को इतनी सपोर्ट मिलेगी कि एफर्टलेस चलेगी फिजिक्स। 25% ऑफ प्लस वन प्लस टू का सिलेबस क्वांटम मैकेनिक्स पे है, तो 25% तो समझो केमिस्ट्री वाले करवा के भेजेंगे आपको, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझना। मेन सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स तो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम मोशंस मटेरियल बॉडी स्पीड ये सब आपने पढ़ लिया, मैकेनिक्स ग्रेविटेशन रॉकेट प्रोपल्शन पानी जो है वेव्स कैसे प्रोड्यूस करता है साउंड वेव्स क्या है ये मैकेनिक्स है। ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर को इंटरनल एनर्जी को एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स को हीट इंजन्स को रेफ्रिजरेटर्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक ये सब कुछ। ठीक, ये नोट्स अरमान मैंने अभी पिछले हफ्ते से ही बना रहा हूं मैं और मेरे को बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, 65 पेजेस है टोटल। तो ये मैं आपको पीडीएफ अभी सेंड करूंगा, बाद में प्रिंट दूंगा जब आप नेक्स्ट लॉट में आओगे लेने। ठीक, अभी तो आप पीडीएफ से पढ़ोगे इसे। क्वांटम मैकेनिक्स बता दिया मैंने, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करेंगे एटम और न्यूक्लियाई में। और लास्ट एरिया ऑफ स्टडी फिजिक्स में रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने आपने सुना होगा रिलेटिविटी के ऊपर काम किया था, तो इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल हैविंग स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई मूव नहीं कर पाएगा, ये तो रूल है अभी तक तो यही माना जाता है। तो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट का मतलब अगर स्पीड की लाइट 3×10^8 है तो 3×10^7 पर अगर वो पार्टिकल मूव करता है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, उसमें मासेस चेंज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं वो तो बाद में स्टडी करेंगे। कुमार आपने पूछा व्हाट इज मैकेनिक्स, फोर्सेस को स्टडी करना, वर्क को स्टडी करना, ग्रेविटी की फोर्स को स्टडी करना, रॉकेट प्रोपल्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन, पानी में वेव, समुद्र में वेव्स क्यों होती है, वेव को स्टडी करना, साउंड को स्टडी करना, ये सब मैकेनिक्स है। ठीक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर चार किस्म की मेन फोर्सेस हैं। ये हमने याद करो फोर्थ चैप्टर जब किया था तब भी मैंने इसकी इंट्रो दी थी, याद है फोर्थ चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता था। तो इसमें मैंने उसमें थ्योरी में बताया था, इसमें बस टेबल मैंने बनाया और फटाफट इसको चार लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसके अंदर ग्रेविटेशन की फोर्स एक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर फोर्स, उससे कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक मानी जाती है।
ठीक, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ दानिश, वो अभी प्रूव बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैथमेटिकल तो प्रूव डी, ऐसी बात नहीं है रिलेटिविटी की थ्योरी, तो उसमें मासेस चेंज होते हैं, वो हाइपोथेटिकल नहीं है, लेकिन वो होते हैं, वो रियलिटी में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो ग्रेविटी की फोर्स है दो मासेस के बीच में लगती है, Gm1m2/r2, और इसकी सबसे वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, सन और अर्थ पे लगा लो, दुनिया यूनिवर्स में कोई भी स्टार और अर्थ पे लगा लो, बस बोल देना कि उनमें जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, और जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है, तो फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कहते हैं यार जो बाहर का स्टार है, बहुत दूर स्टार है, वो हमसे कुछ फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू उसमें क्या एज्यूम किया जाता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड इट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये वैक्यूम में भी लगती है, पानी में भी लगती है, एयर में भी लगती है, बात खत्म। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। ये नाम पढ़ेंगे नहीं, एंड में पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स के अंदर, कि ये जो फोर्सेस है कब आती है, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, जब न्यूक्लियस टूटता है, हम ये पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा डीके रेडियो एक्टिविटी करके प्रोसेस है, उसमें ये फोर्स काम आती है, अभी नहीं आ रही। पर ये ऐसे नहीं है कि सन और मून पे लग जाएगी, हम पे और मून पे लग जाएगी, ये तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, इतने डिस्टेंस पे लगती है, बस इतने 10^-14 मीटर से लेके 10^-15 मीटर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी रेंज फोर्स है ये। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, चार्जेस के बीच में लगती है, लॉन्ग रेंज है, आप इसमें भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्जेस पड़े हुए हैं लगा सकते हैं, इसमें भी मीडियम की जरूरत नहीं है, पानी में भी लगती है, दो चार्जेस पानी में भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी करेंगे, जहां मर्जी करेंगे, और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और लास्ट है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के रखती है। न्यूक्लियर आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स रिपेल करते हैं, फिर भी न्यूक्लियस टूटता नहीं है, स्टेबल रहता है, तो कोई तो ऐसी फोर्स है जो उसको बांध के रखता है, उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये किसी के बीच में एक्ट कर सकती है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी होती है, और इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, ये नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, कोई लेना देना नहीं है चार्जेस की नेचर का। ठीक, और ये भी बहुत ही छोटी रेंज पे काम करती है, 10^-15 मीटर पे, और ये अट्रैक्टिव होती है वैसे, लेकिन कमाल की बात है ये रिपल्सिव भी हो जाती हैं, अगर डिस्टेंस 0.5 फर्मी, हम पढ़ेंगे 10^-15 मीटर से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए 0.5 × 10^-15 मीटर से, तो रिपल्सिव हो जाती हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा ऐसा क्यों होती है, कि अट्रैक्टिव भी है लेकिन अगर डिस्टेंसेस छोटे हो जाएं तो ये रिपल्सिव भी है। ठीक, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप एक बार ठीक आप रीड करेंगे दानिश, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है उस सी वाटर का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नजर मारेंगे। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ लॉज बना दिया कि कुछ फिजिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें सम फिजिकल क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब चीजें कॉन्स्टेंट है, तो नॉर्मली फिजिक्स में चार कंजर्वेशन के लॉज चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने किया था ना फर्स्ट पार में, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम कांस्टेंट है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी हमने किया हुआ है, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में आएगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमने अभी तक लीनियर मोशन किया, अब हम रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो उसमें एंगुलर वर्ड यूज होता है, तो ये आएगा। और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये प्लस टू में आएगा, कि चार्ज जो है वो आप ऐसे गायब नहीं कर सकते चार्ज को, तो चार्ज भी कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसको प्लस टू में करेंगे। पर ये चार लॉज हैं वैसे बता रहा हूँ जो बेसिकली हम इसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये हमने कर लिया, क्या ड्राइव करने को आएगा, लॉज, ये लॉज
नहीं, लॉज हर्षित, लॉ की डेरिवेशन तो हम फिजिक्स में कर ही नहीं सकते ना। लॉ तो अगले का पीएचडी का काम है यार, अगले ने पूरी जिंदगी लगा दी लॉ बनाने में, हम नहीं कर सकते। हम तो लॉ कैसे लगता है बस वो देखते हैं, आपको कुछ ड्राइव करने को नहीं आएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लास्ट टाइम किया था, याद है? ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ आइडिया लास्ट टाइम दे दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा। ठीक है भावेश, याद है तो क्लियर है लास्ट टाइम हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, काउंट करने को बताया था मैंने ये। ठीक है, और राउंड ऑफ सिखाया था भावेश, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, रूल्स हमने लास्ट टाइम सीखे थे, इसमें रूल्स मैंने लिख दिए सारे। ठीक, लास्ट टाइम हुआ था ये राउंड ऑफ तो हो गया था। अब राउंड ऑफ के अंदर मैंने ये बताया था अर्थमेटिक ऑपरेशन, यहां से शुरू करना था कि अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन प्रोडक्ट या क्वोशेंट ऑफ टू नंबर जिसको बोलते हैं, मान लें आप, हाँ बिल्कुल करूंगा रक्षित, इसकी पीडीएफ बिल्कुल ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को या डिवाइड कर रहे हैं, मान लें आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको आंसर देना है। अब आप एक चीज देखें कि पहला नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट है, दूसरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है, वन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल के यहाँ का जीरो को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। तो रूल ये कहता है कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहले कुछ ना करें, एज इट इज मैथ्स लगा के इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने एज इट इज इसमें मैथ्स लगा के इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.54 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें 0.54 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इसके अंदर पहले नंबर में कितने थे, दो थे, दूसरे नंबर में कितने हैं, वन थे। अब आपने रूल क्या बनाना है, मल्टीप्लीकेशन का रूल ये कहता है आउट ऑफ 5.4 एंड 0.1, 5.4 एंड 0.1, 0.1 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर। जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर शुड ऑल्सो कंटेन वन सिग्निफिकेंट ओनली। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो टू डिजिट तक नहीं छोड़ेंगे, वो वन डिजिट तक छोड़ेंगे, क्योंकि जो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में सबसे छोटा सिग्निफिकेंट ये वन है, तो आंसर भी सबसे छोटे सिग्निफिकेंट के साथ चलेगा, वन के साथ ही चलेगा। तो यानी कि अगर 0.54 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करते थे, ये जो नंबर है वो लेस देन 5 है और हमने क्या किया, सॉरी इसको ऐसे देखना है, सॉरी ये 5 है, 5 के बाद जो नंबर है वो कितना है, 4 है। तो हमने क्या किया था कि अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है, रूल हमने सीखा था 5 के बाद कुछ भी हो तो इससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा दें, 5 के बाद कुछ भी लगाओ पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा दें, पहले वाला नंबर कितना है 0, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, 1, और 1 ही अप्रोक्सीमेट देंगे क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट चाहिए, आंसर में 1 सिग्निफिकेंट चाहिए। तो ये रूल सबको समझ में आया कि आपने एज इट इज मल्टीप्लाई कर लिया, आपने आपको ये पता लग गया, वो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा वो नहीं देखना आपने ना, तो राउंड ऑफ करना है इसमें। नहीं भावेश, 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट है तो हमने क्या करना है, इसमें 1 बनाना है। अब वन बनाने के लिए राउंड ऑफ करना है, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, अगर आपने 4 को छोड़ दिया, 0.5 कर दिया तो राउंड ऑफ के तो रूल ही वायलेट कर दिया आपने। राउंड ऑफ का रूल ये बोलता है कि अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है नॉन जीरो तो उसका पहले वाला डिजिट 1 बढ़ा दो, इसीलिए बुक्स में इसका आंसर 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक ठीक, तो आपको 1 मार्क करना है जैसे, और यही रूल मल्टीप्लाई में, यही डिवीजन में भी चलता है, डिवीजन का भी सेम रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर इन सम और डिफरेंस, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग चलता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मान लो इन 3 नंबर्स को आपने ऐड करना है, आप कुछ ना करें, जैसे सिंपल मैथ्स लगाते हैं वैसे ही ऐड कर दें, ये लो ये आपने इनको ऐड किया और आपके पास 17.903 आ गया। क्वेश्चन के अंदर इन 3 नंबर्स को हमने ऐड किया, इन 3 नंबर में अब ये नहीं देखना इसमें कितने सिग्निफिकेंट है,
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल डिफरेंट है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है कि आफ्टर डेसिमल, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं कि अगर हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें बस ये काउंट कर लेते हैं कि इसमें सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट वन है, तो मेरा आंसर भी वन सिग्निफिकेंट में चलेगा, बात खत्म. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये देखते हैं कि तीन नंबर जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने नंबर है वन, कितने नंबर है टू, कितने नंबर है थ्री. और रूल ये लगाते हैं कि आंसर आफ्टर एडिशन शुड हैव वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, क्योंकि इसके अंदर सबसे डेसिमल के सबसे के बाद सबसे कम डिजिट कितने है, वन है, सिर्फ वन. इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री, तो आपका आंसर जो होगा वो डेसिमल के बाद वन डिजिट तक होगा, बात खत्म. अब रूल देखो, अब राउंड ऑफ नहीं करना है, इसमें आपने ड्रॉप कर देना है इस तरीके से, आपको एक डेसिमल तक लेना है बस. तो आपने क्या किया, इसको आपने छोड़ दिया, तो आपका आंसर 17.9 तक रहेगा. तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का अलग रूल है, वो राउंड ऑफ फॉलो कर रहा है. एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका रूल फॉलो कर रहा है जो आप चैट में लिख रहे हैं कि 03 को छोड़ दे. हाँ, आप 03 को छोड़ दो, 17.9 आपका आंसर है. ठीक, जैसे आपके एक स्कूल में, मॉडल स्कूल में असाइनमेंट दी गई थी इन कॉन्सेप्ट को लेके कि सबमिट करो, तो मॉडल स्कूल में ये असाइनमेंट थी कि इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ और कितने डिजिट तक, तीन डिजिट तक. अब 18.35 का आखिरी नंबर पांच है, पांच के बाद कुछ भी नहीं है, देयर इज नो डिजिट. तो मैंने क्या बताया था, चेक प्रोसीडिंग डिजिट. अगर पांच के बाद या जीरो है या कुछ भी नहीं है, जैसे पहले वाला नंबर देखो, अगर पहले वाला नंबर ऑड है तो उस केस में इसको एक बढ़ा दो. इसीलिए इसका आंसर क्या आया था, 18.5 को ड्रॉप कर दो क्योंकि आपको आंसर तीन डिजिट तक लिखना है, लेकिन क्योंकि ये नंबर ऑड है तो यहां पर थ्री की जगह फोर लिख दो. ठीक, ये इसका पहला आंसर था असाइनमेंट का. दूसरा, 143.45 अप टू फोर डिजिट्स, आखिरी नंबर पांच है. अगर ये पांच है, इसको ड्रॉप करने से पहले ये देखो कि इसके पहले नंबर क्या है. इसका पहला नंबर इवन है, ऑड में प्रीसीडिंग डिजिट को वन से बढ़ाते हैं, इवन में कुछ नहीं करते, इवन में जैसे है. थ्री डिजिट्स का मतलब कुंवर तीन सिग्निफिकेंट तक छोड़ना है ना. थ्री, फोर डिजिट्स का मतलब इसमें चार नंबर आने चाहिए आंसर में, बस चार सिग्निफिकेंट, ये इसका मतलब. गिवन पांच है, चाहिए चार. ठीक है, तो अप टू फोर डिजिट्स का मतलब एक नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा ना. तो अगर ये पांच नंबर को ड्रॉप करते हैं कुंवर, तो इससे अगर पांच के बाद कुछ भी नहीं है या जीरो है, इसके पहले के नंबर को देखते हैं, अगर ये ऑड होगा इसको वन से इंक्रीज कर देंगे, अगर ये इवन होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, फोर का फोर छोड़ देंगे, फाइव को ड्रॉप कर देंगे आंसर. ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होती है. ये आपके पास 189.67 अप टू थ्री डिजिट्स करो. अब एक, दो, तीन, चार और पांच नंबर है, मेरे को मेरा आंसर राउंड ऑफ करके तीन चाहिए. अब एक काम करते हैं, ये एक, दो और तीसरा, तीन तक चाहिए ना. अब अगर आपको तीन तक चाहिए तो तीसरा नंबर चेक कर रहे हैं आपने, तो तीसरा नंबर है वो पांच से बड़ा है 189 में. आपने इनको तो देखना ही नहीं ना, ये तो उड़ जाने वाले हैं थोड़ी देर में. तीसरा नंबर पांच से बड़ा है और ये रूल किया था, अगर ये नंबर पांच से बड़ा है इसको एक बढ़ा दो. जब आप इसे एक बढ़ाओगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 19, और ये खुद क्या हो जाएगा, जीरो. इनको छोड़ दो. अब छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर 190 लिखेंगे तो इसका आंसर 190 थोड़ा ठीक लगेगा. तो हम क्या करेंगे, पीछे क्या लगाएंगे इसकी जगह, जीरो जीरो. तो क्या किया हमने, अगर ये नंबर फाइव से बड़ा है तो एक बढ़ा दो, एक बढ़ा के लिए 190 बन गया, और इसकी जगह इसको छोड़ नहीं देना, जीरो जीरो लगा देना. इससे क्या होगा, इसको डेसिमल में ऐसे लिखेंगे 1.90 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि एक ही बात है. अब 1.90 में कुल मिला के तीन सिग्निफिकेंट हो गए और हमारी कंडीशन भी पूरी होगी तीन सिग्निफिकेंट की.
इसीलिए आपके असाइनमेंट में इसका आंसर 1.90 × 10⁴ आंसर था, अगर आप अपने असाइनमेंट मॉडल स्कूल की चेक करें तो। ठीक उसी तरीके से 12.653 up to 3 digits, अब इसके अंदर कितने डिजिट्स? 3 digits। अब देखो 1, 2 और 3, इसके बाद का नंबर तो है 5, और एंड आफ्टर 5 देयर इज अ नॉन जीरो नंबर। अब नॉन जीरो नंबर की तो रूल था कि अगर नॉन जीरो नंबर है 5 के बाद तो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दो, तो मैंने 1 बढ़ा दिया, बढ़ा के मैंने छोड़ दिया इसे 12.73 सिग्निफिकेंट तक मेरा आंसर आ गया, क्योंकि आंसर 3 तक लिखना है मुझे। तो ये रूल्स आपको अच्छे से सीखने हैं और उस हिसाब से ये असाइनमेंट को करना है। अब जैसे ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, अब 3 digit तक करना है इसे। 3 digit का मतलब कि 248 तो है ही है, अगला जो डिजिट है वो ये उड़ाने हैं। उड़ाने से पहले देखना है कि ये 3 जो है 5 से तो छोटा है, अगर छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट का कुछ नहीं होगा, 8 का 8 रहेगा, और अगर ये बड़ा होता यहाँ पे तो ये 9 हो जाता, इसमें कुछ नहीं होगा, और बाकी 0 तो उठा के आपने 0 लगा देने हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो अपने आप 3 digit तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 248 × 10³, जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से आपने इन रूल्स को लिखना है, और मैंने हर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस PDF में। एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में ये भी था, इन 3 नंबर को ऐड करो और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। तो आप मैंने क्या सिखाया था, एडिशन का रूल है, तीनों को एज इट इज ऐड कर दो पहले, फिर ये देखो कि तीनों में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो सबसे कम किसमें 2, तो मेरा आंसर ये छोड़ देंगे और 2 तक रख लेंगे, बस ये मेरा आंसर मान लिया जाएगा, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना, इसमें ड्रॉप कर देंगे डिजिट्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है। फिर सब्ट्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल था, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को इस नंबर में से, और रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, 4 × 10⁴, इसको भी ठीक तरह करके लिखो, 0.025 × 10⁴, देखो ना पावर तो बराबर करोगे तभी बात बनेगी। ठीक आगे आप एक काम करो, इन्हें एज इट इज माइनस कर लो, जैसे आप करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बड़ा सिंपल है, जैसे आप इन्हें सिंपल माइनस करते हो या सिंपल माइनस करके ये लिख लो, बात खत्म। अब ये डिसाइड करो कि हाँ हर्ष, अब जैसे ये है, ये 2 नंबर्स हैं, इसके अंदर डेसिमल के बाद क्या है और इसमें डेसिमल के बाद क्या है, जो ओरिजिनल नंबर्स थे वो ये ओरिजिनल नंबर्स हैं मेरे, इस नंबर में डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर ओरिजिनल नंबर में डेसिमल के बाद क्या है, 1 डिजिट है, और अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर शुड नॉट हैव एनी डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन 9 का और 1 डिजिट का है, तो ऑब्वियस 9 का मतलब 0 डिजिट, तो 0 डिजिट जीतेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि ड्रॉप कर दो, है ना हर्ष आपका मैं आंसर दे रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं इसे ड्रॉप कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं ड्रॉप करके बैठूंगा तो मेरा आंसर 3 × 10⁴ है। तो मेरे को एक काम करना है, मेरे को यहां पर चेक करना ही पड़ेगा, जैसे कई लोग चैट में लिख भी रहे थे कि अगर ये 9 है जो कि ग्रेटर देन 5 है और मैं बाकी सारे नंबर्स को 0 करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो यहां पर मैं 4 ही लिखूंगा, तो 4 × 10⁴ ही लिखूंगा। तो इसके अंदर एक डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, या ये बोल सकते हो कि 0 आ रहा है और मुझे 0 ही करना था इसको। तो इस तरीके से आप इस रूल को फॉलो करोगे, और बाकी ये सेम है, आप कैलकुलेशन सारी चेक करोगे इसमें, सिग्निफिकेंट की आपकी स्कूल की असाइनमेंट है जो दी थी, इसमें सारे रूल मैंने लिखे हुए हैं। और एक काम और कर सकते हो कि हाँ ठीक है अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी आ जाती है, दी मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज गिवन, ये मास वो कह रहे हैं कि गिवन है, 2 gold pieces जिसके masses are added to the box,
व्हाट इज द टोटल मास, अब ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो ऐड करो, तो मैंने बता दिया कि आपने कैसे डेसिमल चेक करने हैं, वन है, फाइव है, ये तीन नंबर जिनको ऐड कर रहे हो, एक में एक डिजिट है डेसिमल के बाद, एक में पांच डिजिट है, एक में पांच डिजिट है, तो आपका आंसर एक डिजिट तक ही चलेगा। तो इस तरीके से आपने राउंड ऑफ और ड्रॉपिंग का मैकेनिज्म लगाना है। ऐसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, गिवन है, एरिया एंड वॉल्यूम निकालो। अब सबको पता है एरिया वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीजें यूज हो रही हैं, तो मैंने क्या बताया था, पहले आप सिंपल तरीके से एरिया निकाल लो। एरिया निकाल लिया क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो उसमें अंदर ये रूल्स आप लगाओगे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स है, वहां से लगा के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें चार सिग्निफिकेंट है, चार है, और इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट है, नहीं इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट है ना 0.0201 में, चार चार और तीन, चार आना चाहिए था इसका आंसर, की तुमने क्यों लिखा, मैंने मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ये बोलता है इसमें फोर है सिग्निफिकेंट मुझे लगता है ये मैंने गलत किया है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट है और आंसर चार तक नहीं, आंसर शायद तीन तक ही लिखना चाहिए था मुझे, तीन, हाँ इसको करेक्शन करनी पड़ेगी प्लीज आपको इसमें। तो मेरे मतलब मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि इस असाइनमेंट में कुछ भी नहीं है, ये सब आसान है, ठीक है ना। ऐसे डिवीजन का रूल है, हाँ रक्षित खुद कर लेना बोला, डिवीजन के रूल में पांच है इसमें चार है, डेंसिटी निकालनी है मास बाय वॉल्यूम, मास पता है वॉल्यूम पता है, डिवाइड कर लो पहले सिंपल, अब एक में पांच एक में चार, तो आंसर कहां तक आएगा, चार तक आएगा, बात खत्म। तो चार तक करने के लिए राउंड ऑफ कर देना, राउंड ऑफ करने के रूल तो मैंने आपको बता ही दिए कि चार तक रखना है, पांचवा डिजिट देख लो, पांच से बड़ा है, पांच से बड़ा है तो ये वाले को एक बढ़ा दो, आंसर आ गया, डन। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, ठीक। और लास्ट जो आपका टॉपिक है छोटा सा, हाँ हाँ अच्छा, ये खुला खुला लिखा हुआ है, 265 शीट्स है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये खुला खुला लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा कन्वीनियंस रहे, है ना। शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स ही है, किताबों में तो इससे भी पता नहीं कितना ही बड़ा गिवन है, एक्सेल के अंदर तो बहुत ही बड़ा गिवन है। चलो ये मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट है, मेरे को लगता है इससे काम चलेगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक है कि लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, आपको कौन सी लेंथ, ये लेंथ, ये लो स्केल रखो मेजर कर लो, डन। हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मेजर कर लिया, क्या दिक्कत है। आपने अगर बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, एक मीटर, दो मीटर, चार मीटर या फुट्टा रखो, स्केल रखो, मेजर कर लो, डन। आपको अगर सपोज एक शीट का डिस्टेंस मेजर करना है, बहुत पेपर की शीट है, इस शीट की थिकनेस मेजर करनी है, हाँ तो वो भी आपको इसमें ऐसी मशीन्स आती हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, जो कि बहुत छोटे डिस्टेंस 10^-5 मीटर से लेके 10^2 मीटर 100 मीटर तक की जो है इक्विपमेंट्स आते हैं, जिसको डायरेक्टली आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करना है, 1,00,000 चांद का डिस्टेंस मेजर करना है, यार मून पे कौन जाएगा मेजर करने के लिए टेप लेके, राइट। तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज किया जाता है। जैसे एक बहुत लंबी बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग है, अब वो कौन चढ़ेगा बिल्डिंग के ऊपर हाइट मेजर करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, एक्स मेजर करते हैं, एंगल मेजर कर लेते हैं बिल्कुल टॉप का एलिवेशन का, बस टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, एच बाय एक्स, एक्स उन्हें पता होता है, थीटा मेजर हो जाता है, एच आ गया, बिना टावर पे चढ़े हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड है, ट्राइंगुलेशन मेथड है, ट्राइंगुलेशन मेथड है, ठीक। उसके बाद ठीक है, ट्राइंगुलेशन मेथड आपने ज्योमेट्री में भी किया था, वो जो अगर मान लो एंगल, अगर मान लो यहां पर नदी है और यहाँ पर टावर है, अब क्या करें, नदी के अंदर जाना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, एक एंगल थीटा वन निकाल लें, एक थीटा टू निकाल लें, आपको इसकी विड्थ पता होगी, ये डिस्टेंस आपको पता होगा,
और वही 10th क्लास में ऐसे मुझे याद है क्वेश्चन आया करते थे, cot theta 1 is x by h, cot theta 2 is d plus x by h, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके h कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? तो इसको भी ट्राइंगुलेशन मेथड बोलते हैं, टू फाइंड हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब टावर पे तो जा नहीं सकते, उसके पास भी नहीं जा सकते, फिर उसकी हाइट को हमने मेजर कर दिया। अब इसके अंदर बेसिकली ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये सॉल्व करके साइमल्टेनियसली मैथ्स आया, आप 10th में करती आए हो, एच कैन बी कैलकुलेटेड, कोई याद नहीं करना, सिर्फ तरीका बताना है। जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो पैरलेक्स का मेथड होता है। पैरलेक्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्या है पैरलेक्स? पैरलेक्स इज एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइडवाइज। ये लो, ये पेन है, ये मेरी लेफ्ट आई है, ये मेरी राइट आई है। लेफ्ट और राइट आई इस ऑब्जेक्ट पे कोई एंगल बना रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड प्लीज। ओके, सो नीलेश मुझे नहीं मालूम। तो पैरलेक्स मेथड मैंने बता रहा था कि ये लेफ्ट आई और ये राइट आई है, ठीक है? लेफ्ट और राइट आई, और ये पेन है। लेफ्ट आई और राइट आई दोनों इस पेन पर एंगल बनाएंगी थीटा, इस थीटा को पैरलेक्स एंगल बोलते हैं, है ना? दूरी है ना, लेफ्ट और राइट आई में दूरी है, बी डिस्टेंस है इनमें, तो ये बेसिकली एंगल क्या है, थीटा। तो पैरलेक्स इज बेसिकली द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने डेफिनेशन तो क्या याद करनी, बट डन हो गया पैरलेक्स। तो बी का मतलब इसमें मैंने क्या बता दिया था कि लेफ्ट और राइट आई का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मान लो एस है दोनों आंखों से, तो अप्रोक्सीमेटली एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस का आपने मैथ में फॉर्मूला सुना होगा, थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस। तो आप इस फॉर्मूले से बी और एस की कैलकुलेशन से ना, तो आप इस ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें कि थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एस, और इससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंसेस और एंगल का रिलेशन निकालेंगे। ये जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ मून निकालो या कोई प्लैनेट निकालो विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलेक्स मेथड। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये अर्थ है, ठीक है? प्रॉब्लम है ये अर्थ है, ये मैं ये नहीं कह सकता ना कि लेफ्ट आई है, राइट आई है और ये मून है। तो देखो मेरे मून ने, लेफ्ट और राइट आई ने मून पे एंगल थीटा बना लिया। यार वो मून तो, अगर मैं यहाँ दिल्ली चलना शुरू करूँ, रात तक दिल्ली पहुंचूंगा, मून तो मेरे सर पे ही रहेगा, मैं एंगल कहाँ से बना लूंगा?
तो इसीलिए लेफ्ट और राइट आई का एंगल तो हो जाएगा छोटा। हम क्या करेंगे, दो बंदे खड़ा देंगे, एक हमने यहाँ खड़ा दिया, एक हमने किसी और कंट्री में खड़ा दिया। अब अगर वो मीन्स जो कंट्री है थोड़ा दूर होना चाहिए, जहां पर चांद का डिस्टेंस थोड़ा सा, ये भी ना चांद दिखे ना, है ना। तो मान लो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर कोई बंदा और किसी कंट्री में जाके खड़ गया, तो एक ये रहा एक ये रहा, ये लेफ्ट आई की तरह काम करेगा, ये राइट की तरह काम करेगा, और ये मून है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये स्टार है इनफाइनाइट, बहुत दूर एक परपेंडिकुलर लाइन है, स्टार बोलते हैं इसे। तो ये बंदा किसी तरीके से मून का अपना एंगल बना देगा, ये कि मून मेरे को 51 एंगल पे दिख रहा है परपेंडिकुलर से। ये बंदा क्या करेगा, परपेंडिकुलर से 52 एंगल बना देगा, ठीक, एक 51 बना देगा और एक 52 बना देगा वर्टिकल के साथ। अब हम अपनी ज्योमेट्री लगाएंगे, ज्योमेट्री क्या कहती है कि भाई ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये 51 है तो ये भी 51 है, ये 52 है तो ये 52, सेंटर के ऊपर जो एंगल आ गया वो क्या आ गया, 51 प्लस 52 पता लग गया। अब देखो पैरेलेक्स काम आएगा कैसे, ये एक सेक्टर बन गया, इस सेक्टर में अर्थ की दूरी तो हमें पता लगी जाएगी, दो बंदों के बीच में बी है, टोटल एंगल कितना है 51 प्लस 52, तो टोटल एंगल 51 प्लस 52 इज इक्वल टू आर्क जो कि अप्रोक्सीमेटली बी है, और डिस्टेंस मून का अप्रोक्सीमेटली एस है, तो बी डिवाइडेड बाई एस लगा देंगे, ठीक। मून को इसमें पॉइंट मास ले रहे हैं दानिश, हम डायमीटर नहीं ले रहे मून का, इसमें पॉइंट मास ही है बस, ठीक है। ये सब अप्रोक्सीमेशन है प्लीज, ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। और इस एंगल को पैरेलेक्स एंगल भी बोलते हैं, ये जो सेक्टर का पैरेलेक्स एंगल है जो कि लेफ्ट और राइट आई के साथ एंगल बना रहा है, या इसको पैरेलेक्टिक एंगल भी बोला जाता है, पैरेलेक्टिक एंगल या पैरेलेक्स एंगल एक ही बात है। आई होप ये थ्योरी क्लियर है यहां तक। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार निकाल दो बाय पैरेलेक्स मेथड, मून से अगर मन नहीं भरा तो स्टार निकाल दो, लो एक स्टार सिलेक्ट कर लो। अब आपको अर्थ के दो कोनों में खड़े हो गए ना, तो स्टार तो आपको वही दिखेगा, स्टार नहीं हिलने वाला, क्योंकि स्टार तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो उसका तो एंगल बनाना बड़ा मुश्किल है। देखो मजे की बात, ये सन है, हम अर्थ, ये अर्थ है, बहुत दूर एक स्टार है, ये स्टार है। जब अर्थ बी पॉइंट पे आएगी, सन के आसपास घूम रही है, पूरा साल लगेगा इसको मेजर करने में, तो जब बी पॉइंट पे अर्थ थी तो हमने अर्थ से परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से इस स्टार का एंगल निकाल लिया था थीटा टू। और जब अर्थ 6 महीने के बाद यहां पर आ गई, 6 महीने में यहां पर आ गई घूम के, तो इस लोकेशन से भी हमने उसी स्टार का एंगल निकाल लिया थीटा 1। तो अब हमने क्या किया, थीटा 1 थीटा 2, ये ऑल्टरनेट एंगल से पैरेलेक्स एंगल बन गया ना। अर्थ डायमीटर ऑफ पूरा जो अर्थ घूम रही है वो डायमीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ये डी लगा लो, ये डी लगा लो, ये लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, सेम तो है नहीं। तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं पैरेलेक्स का कॉन्सेप्ट कि एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी। तो यहां से डी कैन बी कैलकुलेटेड। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट तरीके हैं, हमसे कोई इस पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है पैरेलेक्स, पैरेलेक्स मेथड इज यूजफुल फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेज ऑफ द स्टार विच आर लेस देन 100 light years फ्रॉम द अर्थ। 100 light years से तक जितना भी डिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं पैरेलेक्स मेथड से। 100 light years भी थोड़ा नहीं होता, 100 light years भी बहुत ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, ठीक। अब वो कह रहे कि वाई नॉट मोर, चीज की लिमिट भी तो है, ठीक। मोर के लिए ये लो, नेक्स्ट लॉ आ गया, मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ फार अवे स्टार, बहुत दूर स्टार है। अब क्या करेंगे, जहां पैरेलेक्स फेल हो गया तो वहां पर काम आएगा इंटेंसिटी मेथड। ये इंटेंसिटी मेथड क्या होता है, इंटेंसिटी मेथड में दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी, हम ये पढ़ेंगे। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि कोई भी स्टार की जो लाइट आ रही है, हल्की सी लाइट आ रही है, वो लाइट की जो एनर्जी है उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी गेन्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। तो रूल है ये फोटोमेट्री करेंगे प्लस टू में, उसका रूल है जो इंटेंसिटी होती है ना वो स्टार के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हाई है तो स्टार का डिस्टेंस उतना ही समझो कम है, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंटेंसिटी समझो उसकी क्या है, कम है।
तो हम क्या करते हैं, वी कंपेयर इंटेंसिटी आई वन ऑफ अ फेंट इमेज. हाँ सन पास है, काफी पास है सर, स्टार से दूर है. वी कंपेयर द इंटेंसिटी आई वन ऑफ द फेंट इमेज ऑफ अ फार अवे स्टार टेकन फ्रॉम अ फोटोग्राफिक प्लेट विद इंटेंसिटी आई टू ऑफ अ ब्राइट इमेज ऑफ अ नियर बाय स्टार. हम दो स्टार ले लेते हैं, एक स्टार जो नजदीक है, एक जो दूर है. नजदीक वाले का डिस्टेंस तो हम पैरेलेक्स से निकाल लेंगे, दूर वाले का हम निकाल नहीं पा रहे, लेकिन दोनों की लाइट तो हमारे अर्थ तक आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे. तो इंटेंसिटी जो है पहले स्टार की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और सेकेंड स्टार के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इन्हें अगर डिवाइड कर लें तो आप चेक कर सकते हो ये रिलेशन आ गया. हमने डिस्टेंस निकालना है दूर वाले स्टार का, पास वाले स्टार का डिस्टेंस हमें पता है, इंटेंसिटी दोनों की पता है, तो यहां से हम अप्रोक्सीमेट आर वन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये जो मेथड है कि यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंसिस ऑफ अ स्टार विच आर मोर देन 100 लाइट ईयर, तो काफी दूर दूर के डिस्टेंसिस को भी मेजर कर सकते हैं. और आखिरी जो दो मेथड है, इसके अंदर दो टाइप के प्लैनेट्स हैं, एक इंफीरियर प्लैनेट्स है और एक सुपीरियर प्लैनेट्स है. इंफीरियर प्लैनेट्स में द प्लैनेट्स व्हिच आर क्लोजर टू द सन देन अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस, ये इंफीरियर है. सुपीरियर में जो कि दूर है अर्थ से, पीछे की तरफ है, इंफीरियर है. हम मेथड निकालना चाहते हैं फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ एन इंफीरियर प्लैनेट. इंफीरियर प्लैनेट का डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं. इंफीरियर का मतलब कि जो कि पास है, है ना. तो हम क्या करेंगे, अर्थ और सन के बीच में है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम एक ज्योमेट्री बनाते हैं. देखो जो स्टार्स हैं और ये सब चीजें हैं ना, ये आदि तो ज्योमेट्री से सॉल्व होती हैं, लोगों ने ज्योमेट्री से सॉल्व किया. जैसे अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें, ये सन है, ये डिस्टेंस है किसी प्लैनेट का, इंफीरियर प्लैनेट का सन से, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है डिस्टेंस आर पी एस. उसी तरीके से ये अर्थ है, सन और अर्थ का डिस्टेंस आर ई एस. ये डिस्टेंस है प्लैनेट और अर्थ का, प्लैनेट के लिए पी, अर्थ के लिए ई, पीई. डिस्टेंस सबको क्लियर है. ये मेथड तभी काम करेगा, याद रखना ये मेथड. और हाँ, ये एंगल है, इनके बीच में एंगल, कोई ई एंगल ले लिया हमने इसमें, या थीटा एंगल भी लिया जा सकता है, जो यहां पे तब बनेगा जब ये लोकेशन अर्थ की और प्लैनेट की, वो लोकेशन जब एंगल यहां पर क्या बनेगा 90. अगर ये यानी कि सालों में ही आएगा, या ऐसा नहीं होगा अर्थ और वो प्लैनेट जब एक लोकेशन पे होंगे तभी मेजरेबल है. ये नहीं है कि किसी आज रात को उठे और चलो जी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है. तो इनके इसी लोकेशन पे ही ये काम करेगा मेथड. इसमें क्या करते हैं, प्लैनेट्स इलोंगेशन बोलते हैं इसे, इलोंगेशन, एंगल को इलोंगेशन बोलते हैं इसमें, ठीक. तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड का नाम है कोपरनिकस मेथड. ये क्या कहता है, ये कहता है कि when the elongation attains its maximum value, जब ये एंगल 90 बनता है, तो elongation याद रखना by geometry, ये maximum बनती है. तो जब ये elongation maximum होती है, तो एंगल 90 बनता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. तो बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है. इसके अंदर ट्राइंगल में ज्योमेट्री लगा देंगे. क्या ज्योमेट्री, साइन ऑफ दिस इलोंगेशन एंगल इज इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू this distance r of ps divided by r of es. ये लो, ये हमने इसकी ज्योमेट्री बना दी. और यहां से हाँ 90 बनेगा तभी काम करेगा अक्षर, नहीं तो करेगा नहीं. ये तो याद ही करना पड़ेगा. और न्यूमेरिकल आएगा तो 90 भी आएगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लैनेट और सन का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड. अर्थ और सन का डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU सुने, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस को. तो अर्थ और सन का डिस्टेंस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एंगल हम मेजर कर लेंगे, तो प्लैनेट और सन का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बिल्कुल दानिश, ये असाइनमेंट को आपको पढ़ के जाना है स्कूल के पेपर के लिए.
ये मेथड था किसके लिए, इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए. अब मुझे निकालने जुपिटर का डिस्टेंस, मुझे निकालने और पता नहीं कौन से प्लैनेट का डिस्टेंस जो कि अर्थ से दूर है. हम इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे. और एक एक साइंटिस्ट जिसका नाम था केपलर्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बड़ा अच्छा लॉ है, इसने बताया. ये कहता है कि सन के आसपास प्लैनेट चक्कर काटते हैं. एक चक्कर के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं प्लैनेट का, और एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट का और सन का ए है. तो केपलर कहता है कि किसी भी प्लैनेट के लिए आप ये लगा सकते हो कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब. ये लॉ है, केपलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था. कोई भी प्लैनेट जब घूम रहे सन के आसपास, उसका एक चक्कर का टाइम अगर कैपिटल टी है, तो उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो उसके एवरेज डिस्टेंस ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल है. तो हम जैसे अर्थ का टाइम पीरियड 365 डेज है, ऐसे बाकी प्लैनेट का भी होता होगा. तो हम क्या करते हैं, किसी भी पहले प्लैनेट के लिए A1 अगर पता है, उसका टाइम पीरियड पता है, दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड पता है पर डिस्टेंस नहीं पता उसका घूमने का, तो दोनों पे कैपलर्स लॉ लगा देते हैं. T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A1 क्यूब, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A2 क्यूब, इन्हें डिवाइड करते हैं. तो यहां से A2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो दूर के डिस्टेंसेस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से. नेक्स्ट जो मेथड है, टू मेजर डायमीटर ऑफ अ मून और एनी प्लैनेट. तो मून का डायमीटर क्या होगा, मून का डायमीटर के लिए ये मून है, ये इसका डायमीटर है. हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इसका एस है. ये मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं और मून के डायमीटर में एंगल कितना सबटेंड किया है यहां पर, थीटा. तो एंगल इज आर्क, इसमें आर्क अप्रोक्सीमेटली क्या है, डी डायमीटर ले लेंगे, और डिस्टेंस मून का सपोज कितना है, एस. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड. और एस की वैल्यू तो हमने पैरेलेक्स मेथड से निकाली भी थी कि हम निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. तो ये एक मेथड है जिससे कि अप्रोक्सीमेटली, और इसको एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं, ये जो एंगल है थीटा इसको एंगुलर डायमीटर बोलते हैं. तो इसके अंदर लीनियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसे लीनियर डिस्टेंस, लीनियर का स्ट्रेट डिस्टेंस है डायमीटर. तो डायमीटर ऑफ मून कैन बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट जो मेथड है वो है टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ हिल. पहाड़ का डिस्टेंस निकालना है, नीचे खाई है. इको रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं. इको रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि ये मैं खड़ा हूं, मैंने गोली चलाई, साउंड गई, टकराई, उसकी इको मेरे को सुनाई दी. साउंड का जाना और आना टोटल डिस्टेंस 2s है, साउंड की स्पीड v है, टाइम टेकन कितना है साउंड के जाने का और वापस आने का t. तो यहां से मुझे s निकालना है, साउंड की स्पीड मुझे पता है, टाइम पता है साउंड के आने जाने का, तो s कैन बी कैलकुलेटेड. अच्छा मेथड है इको रिफ्लेक्शन. उसी तरीके से एक और मेथड है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ मून. चांद का डिस्टेंस मेजर करेंगे कैसे, लेजर मेथड से. लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस. फुल फॉर्म आ सकती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक, इसको याद करना है आपने फुल फॉर्म को, ठीक है. तो ये क्या कहता है, बड़ा ही अजीब सा मेथड लगेगा आपको, कह रहा है मून है जी, ठीक है, आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक अर्थ है, मून है, लेजर लाइट फेंको मून पे, लेजर लाइट जाएगी वापस आएगी, तो जाने आने का डिस्टेंस एस यानी कि 2s है, जाने का डिस्टेंस एस, आने का एस, स्पीड ऑफ लाइट सी है, और इनटू टाइम डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, डन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक. और मेरे पास ऐसी लेजर नहीं है, दानिश बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर चाहिए, मेरे पास नहीं है कि ये कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता, साइंटिस्ट लोगों में होती होगी. एक और मेथड को सोनार बोलते हैं, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक. ये यूज करते हैं नेवी वाले, तो उसके अंदर अगर कोई जो है उसमें ओशन के नीचे अगर कोई सबमरीन जा रही है, कोई जा रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए सी बेड में, इसका भी बड़ा सही सिंपल है कि हम सोनिक वेव यूज करते हैं और लोकेट करने के लिए नीचे, बिल्कुल सही, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000
हर्ट्स है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो नीचे अगर ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से टकरा के साउंड जाएगी, वो वेव जाएगी, वापस आएगी, टोटल डिस्टेंस 2s है, साउंड सोनिक वेव की स्पीड v है into टाइम t, तो यहाँ से डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, तो वही सेम तरीका है इसमें भी, ठीक। अब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 degree इन रेडियंस, तो ये आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कहीं भी आ सकता है। तो जैसे याद रखना 360 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 2π रेडियंस होते हैं, हमने काफी बार यूज किया, तो 1 degree में कितने रेडियंस हैं, 2π डिवाइडेड बाय 360 रेडियंस है, सॉल्व कर लेना आंसर। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक, 1 degree में, हाँ मैथ्स में करते हैं, राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जैसे नेक्स्ट है 1 minute, याद रखना मैथ्स में ये 1 minute है और ये 1 second है ना, मेडिकल के लोग समझ लें, ये 1 minute है और डबल कोट्स का मतलब सेकेंड है, टाइम का यूनिट नहीं है, इसको मैथ्स में एंगल पाए, कहां पे लिखा है, पाए दक्ष, पाए 3.14, पाए वही 3.14 होता है दक्ष, ठीक। तो 1 minute में 1 minute ऑफ आर्क, आर्क मिन भी बोलते हैं इसे, इन रेडियंस, रेडियंस में कैलकुलेट करो, 1 minute को रेडियंस में कैलकुलेट करो, याद रखना ये रिलेशन, भूलना नहीं है, 1 degree में 60 minute होते हैं, 60 minute ऑफ एंगल, तो 1 degree में, हाँ आदित्य होने दो, कोई बात नहीं, 1 degree में 60 minutes है और 1 minute में, ठीक, और 1 minute में, ये मिनट है, ज्यादा ऐसे बोलते हैं, 60 minutes है 1 degree में, 1 degree में कितने रेडियंस हैं, इतने रेडियंस हैं, तो उस केस में 60 minutes में इतने रेडियंस हैं, इसको इक्वेट कर दो, क्योंकि 1 degree में इतने रेडियंस हैं, तो उस हिसाब से 1 minute में इसको डिवाइड कर दो बाय 60, इतने रेडियंस हैं, तो सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। आई होप क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से 1 second में कितने रेडियंस हैं, 1 minute में 60 seconds है, 1 minute में 60 seconds है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊपर रिलेशन से हमने निकाला कि 1 minute में इतने रेडियंस हैं, तो 1 minute की जगह इतने रेडियंस हमने पुट कर दिया, ठीक, तो 60 सेकेंड में इतने रेडियंस हैं, 1 second में डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस हैं, आंसर, ठीक, ये आंसर आ गया, आंसर। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, मैन विशेस टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। ये फिगर आपको गिवन है, इसमें ये बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक। तो एक बार स्टेटमेंट के साथ दिखा देता हूं, मैन विशेस टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, मतलब पूरी स्टेटमेंट मैथ्स की स्टेटमेंट है, ये मैन खड़ा है, ठीक, तो ये मान लो कोई भी, ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए, आई एम सॉरी मैन यहां पे इसमें कहां खड़ा है, ये मैन खड़ा है, ठीक, आगे एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी, ठीक है, ए खड़ा है और टावर क्या है, टावर सी पे, सी टावर है, आगे एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी, तो ए सी लाइन के आगे बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट उसको नजर आता है यहां से, ठीक है, He then walks perpendicular to AC. वो AC के perpendicular जाता है 100 मीटर दूर B पॉइंट पे, और ये एंगल मेजर करता है इस C का जो कि थीटा आता है। तो अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ टावर C बताओ फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, यानी कि ये हाइट बताओ इसकी क्या होगी, मतलब स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बेकार है, वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है ये लगेगी इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई
एसी, तो यहाँ से एसी कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप स्टेटमेंट को पीडीएफ में आराम से पढ़ लेना और एसी की वैल्यू को निकाल लेना। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल टेस्ट होगा दाने यश, संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लास्ट ईयर लास्ट संडे नहीं लिया हमने, कोलिजन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कोलिजन का पेंडिंग है हमारा कोलिजन ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो दी मून, उसके बाद सेंटर ऑफ मास है आदित्य, आदित्य मालूम है, पहले पहले कोलिजन आएगा आदित्य, फिर सेंटर ऑफ मास का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इस हफ्ते में ले लूंगा, वर्किंग डे में ले लूंगा आदित्य, क्लास के बाद ही ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सबसे टेस्ट है संडे तक के आपके, मैं कंप्लीट कर दूंगा इस संडे सारा काम। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम, कोलिजन का ऑब्जेक्टिव हो चुका हमारा, अच्छा कोलिजन का हो चुका, ओके ओके सॉरी, सेंटर ऑफ मास का होगा फिर, सेंटर ऑफ मास का नहीं हुआ ना, हाँ सेंटर ऑफ मास का होगा, ओके सेंटर ऑफ मास राइट, मैं सॉरी, शुक्र है आदित्य आपने बता दिया, ठीक है सेंटर ऑफ मास होगा राइट। The moon is observed from two diametrically opposite points. बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, A and B on the earth. मैं बता रहा हूँ ऐसा numerical आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर वो कह रहा है कि ये देखो अरमान, मुझे लगता है कि यही हो पाएगा आज डिस्कस, रोटेशन मोशन की वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि वो पार्ट, वो एक्चुअली दो चीजें हैं ना, या इकट्ठी दो चीजें हो नहीं पाई, सोचा तो था पर काफी ज्यादा शीट्स हैं, कम नहीं है, तो इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक चीज तो सही हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो आगे की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, जिन्होंने सुननी है अगली अगली डेढ़ घंटे, क्योंकि जब मंडे को आओगे तो आपको दो रिकॉर्डिंग का काम ही सुन के आना पड़ेगा, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही खत्म करना इकट्ठा, उसके अंदर काफी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक। तो मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन दी अर्थ, तो अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में मून को देखा जा रहा है, ठीक है। और ये मून है और ये जो एंगल है थीटा, ये आपको उसने दे दिया, तो गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो ठीक है मुझे ये तो समझ में आता है कि ये ए बी है, ये जो डिस्टेंस है ये ए बी है, इसको बी लिख लेते हैं, ये थीटा लिख लेते हैं, ये एस लिख लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एस लिख लेते हैं, तो आपको एस निकालना है, एस इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय थीटा कर लेंगे इसमें। और प्रॉब्लम ये है, इसमें एंगल देखो क्या गिवन है, 1 degree 54 minutes, 1 degree में 60 minutes है, 60 minutes और 54 minutes कुल मिला के 114 minutes, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 seconds, और सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर निकाला था रिलेशन 4.85 × 10^-6 रेडियंस, तो एंगल किसमें आ गया, रेडियंस में आ गया, डायमीटर आपको पता है, तो मैंने ये ज्योमेट्री बना दी थी अभी, ये अर्थ है, ये डायमीटर ऑफ अर्थ है, ये मून है, मून के साथ आपको एंगल थीटा गिवन है, एस की वैल्यू एस यही, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस, या थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एस, या फिर एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा, डायमीटर आपको पता है, एंगल हमने निकाल लिया, यहां से एस कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक सिंपल, एंगल इज आर्क बाय रेडियस पे न्यूमेरिकल आते हैं, पैरेलेक्स पे ज्यादा बड़ा नहीं आता। मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 57 minutes एट द बेस लाइन इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अगेन वही सेम, रेडियस ऑफ अर्थ पे एंगल बना हुआ है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ निकालो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें बस फर्क ये है, इसमें एस निकालना है, डायमीटर गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल ध्यान से 57 minutes है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180, याद रखना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नॉर्मली हम एंगल रेडियन में लेते हैं, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपको बी पता है, आपको थीटा पता है, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है अलग तरीके से पूछा हुआ है, अगला भी सेम क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से पूछा हुआ है, आपको मैंने कन्वर्जन सिखा दिया रेडियंस का, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कभी कभी आपको डिस्टेंस मीटर में निकाले जाते हैं, मीटर में आते हैं, इसको अगर आप कई बार न्यूमेरिकल कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करो,
तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होगा कि 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ये याद रखना है, रिमेंबर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्जन की जा सकती है, एयू जिसे बोलते हैं, एयू, याद रखना है, ठीक। इसके बाद ये न्यूमेरिकल, केपलर लॉ पे न्यूमेरिकल, दो चीजें और डिस्कस करूंगा, वो आप देख सकते हो मैंने सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल, कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, ये आखिरी टॉपिक है इसका, 5 मिनट का है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको एक आइडिया हो गया आपको तैयारी कैसे करनी है, शीट्स मैंने दे दी, न्यूमेरिकल इसमें सारे सॉल्व हैं, आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, तो इसे कॉन्फिडेंस आया ना, मतलब आप पढ़ोगे खुद आपको पता है कि अब ये आपने कर लिया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है करने वाला। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, हम एटम का रेडियस निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अटोमिक रेडियस, एटम का रेडियस निकालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अटोमिक रेडियस, बाय यूजिंग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस के हाइपोथेसिस से हम ये अज्यूम करते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, जो एटम्स है वो स्फेयर की शेप है। फिर ये अज्यूम करते हैं कि सारे एटम टाइटली पैक्ड है और उसके अंदर वॉइड्स रह जाते हैं, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वॉइड्स, खाली स्पेस। फिर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, किया हुआ केमिस्ट्री में, इन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, ये पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में, यस कि नो, नो, ओके, यस, नो, यस, ओके। इसमें ये बताया जाता है केमिस्ट्री में कि सपोज ये आपके पास एटम्स हैं, ठीक, ये आपके पास एटम्स हैं, एटम टाइटली पैक्ड हैं, तो इसके बीच में ये देख रहे हो, ये देखो ये ब्लू कलर, खाली स्पेस है एटम के बीच में, सर्कल होता है ना, स्फेयर होते हैं एटम्स, ये वॉइड्स हैं, खाली स्पेस है, तो इसका मतलब कि एटम्स जो, अगर आपको ये कह दे कि इस पूरे डिब्बे का वॉल्यूम वी है, तो एटम ने वी वॉल्यूम नहीं लिया, एटम ने उसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, सिर्फ 2/3, ये माना जाता है 1/3 वॉल्यूम में खाली स्पेस होती है, इसको वॉइड बोला जाता है, ठीक, ये हाइपोथेसिस है, जिन्होंने नहीं सुना उनको समझ में आ रहा है, ये खाली जगह 1/3 ऑफ वॉल्यूम है, एटम एक्चुअल में पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, एक्चुअल में 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये रूल है। तो हमने क्या निकालना है, एटम का रेडियस निकालना है, तो बड़ा सिंपल रूल है, केमिस्ट्री लगा दो इसमें, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस है, m ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं, n होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम में कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर को m से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एटम्स आ गए इसमें 1 ग्राम में पर ग्राम, R अगर एटम का रेडियस है तो वॉल्यूम कितना है एटम का, 4/3 πr³, और 1 ग्राम में, 1 ग्राम में वॉल्यूम कितना है, n into n, n by m से मल्टीप्लाई कर दें, केमिस्ट्री चल रही है इसमें, ये एक एटम का वॉल्यूम है और ये क्या चीज है, नंबर ऑफ एटम्स है 1 ग्राम के अंदर, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने के लिए n by m से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1 ग्राम में, क्लियर है यहां तक, तो 1 ग्राम का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, 1 ग्राम का वॉल्यूम आ गया। अब ये एक्चुअल वॉल्यूम आया है, एक्चुअल वॉल्यूम, अब v इज दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, है ना, तो v मतलब जो वॉल्यूम था वो डिब्बे का वॉल्यूम है जिसमें आपने एटम लिए, लेकिन ये एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है एटम का वो 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है, जिसका भी आपने जो सब्सटेंस लिया उसका v वॉल्यूम लिया उसका 2/3 कर दो, वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम आ गया। ये मैंने इक्वेशन बना दी, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये इक्वेशन कहां से आई, ये वी वॉल्यूम है बॉडी का, उसका 2/3 कर दिया, 2/3 करके एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया, बस हो गया सॉल्व, वी वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, जो डेंसिटी है सॉरी वो मास बाय वॉल्यूम, हम तो बड़ी देर से मास 1 ग्राम ले रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/डेंसिटी, 1 ग्राम के लिए सब कुछ चल रहा है, वॉल्यूम की जगह पुट कर दें 1/डेंसिटी, 3 से 3, 2 से 2 कैंसल, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर क्यूब आ गया, अंडर रूट लेके 1/3 रूट लेके आर की वैल्यू कैन बी
कैलकुलेटेड, आज की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हाइपोथेसिस है जिसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बोला जाता है। दो लाइन का काम है, ज्यादा नहीं है। और इसके अंदर एक और टॉपिक है, आप नोट करें, पहले हम टॉपिक्स में बहुत बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंसेस निकाल रहे थे, पैरेलेक्स मेथड, ये मेथड, अभी हम बहुत छोटे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एटम का साइज बहुत छोटा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड खास एसिड है, ओलिक एसिड एक सोपी लिक्विड है विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। केमिस्ट्री लगेगी इसमें, हम 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड लेते हैं और उसको 20 cm³, ठीक, इसके अंदर कंसेंट्रेशन जिसको बोला जाता है, आपने केमिस्ट्री में कर ली कंसेंट्रेशन, कर ली, ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर 20 cm³, अभी जी देख लो, 20 cm³ के अंदर किसी भी एसिड के अंदर, रचित बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड लेते हैं इन 20 cm³ ऑफ एल्कोहल, लिखना भूल गया मैं, एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर, यानी कि 20 बूंदें एल्कोहल की तो एक बूंद ओलिक एसिड की, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें कुछ गड़बड़ ही लग रही है मेरे को यहां लिखने में, एक स्टेप, इसकी कंसेंट्रेशन 1/400, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, छोड़ो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या किया, बेस्ट है, हमने क्या किया, कंसेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड 1/400 ले ली इन 1 cm³ ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तो बेसिकली हमने ओलिक एसिड के बूंदे मिक्स की एल्कोहल के अंदर, ठीक है, ओलिक एसिड लिया और साथ में एल्कोहल को मिक्स कर दिया, तो हमने क्या किया, 1 cm ऑफ एल्कोहल में 1/400 जो बूंदे हैं वॉल्यूम, वो ओलिक एसिड है, इसे कंसेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, तो सीधा ये रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, याद भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस मिक्सचर के वी वॉल्यूम, एक ड्रॉप लिया जिसमें वी वॉल्यूम ऑफ ये मिक्सचर है, इस के एन ड्रॉप्स को हमने पानी की सरफेस के ऊपर ब्रॉड वेसल में गेर दिया, तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया, बुक्स में डायग्राम बना नहीं हुआ था, ऐसा बना दिया, ठीक, डिब्बा लिया जिसमें पानी है, इसमें वॉटर है, वॉटर के ऊपर परत पे हमने इस मिक्सचर को गेर दिया, कितने ड्रॉप्स गेरे हमने, एन ड्रॉप्स गेर दिए, एन ड्रॉप्स, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वी वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम गेरा हमने इसके ऊपर, एन इंटू वी, ये पॉइंट सबको क्लियर है, एन इंटू वी, हमने इसमें एन ड्रॉप्स गेरे, एन ड्रॉप्स गेरे, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, हमने इतना वॉल्यूम गेर दिया पानी के ऊपर, और प्रॉब्लम यह है कि जब ये बूंदे गेरी, इसमें एल्कोहल था, एल्कोहल तो उड़ गया, एल्कोहल उड़ गया, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड रह गया यहां पे। अब क्या किया, देखो इतना वॉल्यूम हमने गेरा था किसका, जिसमें एल्कोहल भी था प्लस जिसमें ओलिक एसिड भी था, इस वॉल्यूम में ओलिक एसिड कितना था, इस वॉल्यूम में 1/400 कंसेंट्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/400 इनटू टोटल वॉल्यूम, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्योंकि 1/400 को फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ ओलिक एसिड इन दिस वॉल्यूम, तो कंसेंट्रेशन जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड भी है एक तरीके की, तो इसके अंदर n इनटू v वॉल्यूम में इसको 1/400 कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना ओलिक एसिड हमारे पास आ गया, बस इतना ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ गया। तो हमने क्या किया, ये अज्यूम किया कि ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ऊपर की जो परत है ये इसका डायमीटर कहलाएगा ओलिक एसिड का, टी, ये डायमीटर ऑफ द ओलिक एसिड है टी। तो हमने क्या किया, इस पूरे फिल्म की वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम तो निकाल ही लिया, ये वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम है, इसको पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथ्स में वॉल्यूम बाय एरिया क्या होता है, थिकनेस होती है टी, तो यहां से मैंने टी थिकनेस को कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करके, और जो कि सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -9 मीटर के अंदाजे से आया, याद करना है इसमें भी,
तो यहां से ओलिक एसिड की थिकनेस को हमने निकाला, तो इसको ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और वैसे भी पता होना चाहिए, दो किस्म के मासेस यूज करते हैं, मास तो मास ही होता है वैसे तो, पर हम दो किस्म के मासेस को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास वो मास है विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन, इट्स कॉल्ड इनर्शियल मास। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो फोर्स पता है इस मास को इनर्शियल, जो इनर्शिया की वजह से आता है, और ए एक्सीलरेशन जनरेट होगी तो यहां से इनर्शियल मास आ गया। लेकिन एक मास की कैलकुलेशन आती है ग्रेविटेशन की हेल्प से, हम अर्थ का कॉन्सेप्ट लेके, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेके न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक बॉडी को कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ग्रेविटेशनल पुल को फोर्स बोलते हैं, जिसमें दो बॉडीज ली जाती हैं, एक अर्थ का मास है, एक बॉडी का मास है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेशन हो रही है। इससे जो ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट होके आएगा, इसको ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें, चाहे इससे मास निकालें, चाहे इससे निकालें, मास की वैल्यू तो सेम ही आएगी, पर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मास दोनों में डिफरेंस डिफरेंट है, ठीक, दोनों में डिफरेंट है। तो ये चीज है इसमें। दूसरा इसमें ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने लिख तो दिया है, आप एक बार खुद चेक कर देना। एक और फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, वैसे आता नहीं है क्वेश्चन पर, फिर भी बता देता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑप्टिक्स में करके आए हैं 9th-10th में, इसको फाइनल इमेज का साइज बाय इनिशियल इमेज का साइज बोलते हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ये दो चीजें आपको याद करनी है, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता कम नहीं है, आता नहीं है, ठीक। हालांकि मैंने दो न्यूमेरिकल डाल दिए, जरूरत नहीं है। मास और वेट में डिफरेंस समझ में आता है, मास केजी में मेजर करते हैं और वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वेट क्या होता है, फोर्स होती है जिससे कि अर्थ हमें खींचती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है वेट, मास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। ये दो मासेस हैं, और लास्ट जो पेज है इसमें, उसमें ना कन्वर्जन आ जाती है, आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ सकती है। एक फर्मी किसके इक्वल है, 10^-15 meters याद रखना है। एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10^-10 meters याद रखना है। नैनोमीटर 10^-9 meters याद रखना है। माइक्रोन का मतलब, माइक्रो का मतलब 10^-6 meters है। लाइट ईयर के अंदर 9.46 × 10^5 = 15 meters है, तो ये याद रखना है। लाइट ईयर का सिंबल है LY। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, 1.496 × 10^11 meters, ये याद रखना है आपको। पैरेलेटिक सेकेंड या पार्सेक किसे बोलते हैं, ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और इसके अंदर ये आ जाता है पार्सेक के ऊपर। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 astronomical unit, मैंने बताया था अर्थ में और सन के डिस्टेंस को 1 astronomical unit बोलते हैं। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 second ऑफ आर्क, मतलब अगर किसी जगह पे जाके ये 1 second एंगल बनाए सच दैट अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस 1 AU है, तो यहां पर 1 second का डिस्टेंस बन रहा है, तो अर्थ का इस प्लैनेट से डिस्टेंस या इस स्टार से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 parsec हो गया। तो इसके अंदर एंगल, एंगल इज आर्क बाय डिस्टेंस कर सकते हो, ये आर रेडियस है, ये एल डिस्टेंस है, तो एंगल इज एल बाय आर कर सकते हो, यहां से आर की वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर आर को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, 1 parsec है, इज इक्वल टू एल का मतलब 1 astronomical unit है, और ये सेकेंड है। 1 astronomical unit में कितने मीटर बता दिया, 1 second को कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं पिछली स्लाइड में बताया था, डिवाइड करके, ये याद नहीं करना, बस ये एंड में याद करेंगे इसका आंसर। तो 1 parsec में इतने मीटर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो 1 parsec में इतने मीटर्स हैं, इतने लाइट ईयर हैं, ये याद होना चाहिए। 1 parsec सबसे बड़ा है, फिर लाइट ईयर है, और फिर 1 astronomical unit है, याद करना है, रिलेशन और कुछ नहीं है। ऐसे इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 meter, तो 1 light year में इतने मीटर्स हैं, तो या 1 meter इतने मीटर में इतने लाइट ईयर हैं, तो 1 meter में यूनिटरी मेथड लगा के इसको डिवाइड करके 1 light year की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है स्कूल में, एक्सप्रेस एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन
इन लाइट ईयर, तो अर्थ और सन के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, बताया था। तो वन लाइट ईयर में इतने मीटर्स हैं, लेकिन आपको तो इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, तो इसको लाइट ईयर के यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आंसर लाइट ईयर में आ जाएगा। ऐसे ही पार्सिक में कन्वर्ट करना है, एक पार्सिक में इतने मीटर होते हैं, ये याद करना पड़ेगा हमें। इतने डिस्टेंस को पार्सिक में कन्वर्ट करना है तो इस यूनिट को याद करना पड़ेगा, इस यूनिट को भी याद करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो सीधा पार्सिक में आंसर आएगा, ठीक। और ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो स्कूल की असाइनमेंट है, मैंने सॉल्व करके दी थी आपको, ये आपको गो थ्रू करनी है। मेरे ख्याल से जिनका स्कूल के अंदर एग्जाम है, ठीक है, वो मोर देन सफिशियंट है अगर ये शीट्स को भी कर जाए, बाकी तो प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। यहाँ तक अभी भेज रहा हूँ नोट्स ग्रुप में, पर मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को कि कैसे इस पूरे तीन ये टॉपिक्स हैं वो कैसे डिवाइड किए हुए हैं। अब तैयारी कर लोगे स्कूल की, जिनके स्कूल में एग्जाम्स हैं, मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, आप इसको करना, ठीक है। रोटेशनल के डाउट्स में नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और रिकॉर्डिंग है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही है, अब दोनों रिकॉर्डिंग सुन के आएंगे, फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। इतने आप अभी सेंट्रोमास की तैयारी करो और सेंट्रोमास जो है उस पर काम करो, जिसे जाना जा सकता है। आज की रिकॉर्डिंग में दे